नमस्कार साथियों, हो सकता है कि इस वर्ष तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु आवेदन दोबारा लिए जा सकते हैं। यदि आप स्थानांतरण के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे निम्न बातों पर अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिसमें पहला है, क्या स्थानांतरण नीति बनेगी? दूसरा है, क्या इस वर्ष स्थानांतरण हो सकते हैं? तीसरी जो मेरी बात है आपसे, क्या सरकार को नई पोस्टिंग देने से पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी बनानी चाहिए और स्थानांतरण करने चाहिए? तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आपके स्टाफ लॉगिन को लॉगिन कर लेना है। इस तरह से आपके सामने होम पृष्ठ खुलकर आएगा। अब आपको जो यहाँ तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है। साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप स्थानांतरण के इच्छुक हैं तो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आप जब इन तीन डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कई अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको जो करना है क्लिक, वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन। तो इस पर अब आपको फिर से क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने फिर से और नए ऑप्शन खुलकर यहाँ आएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, स्टाफ पर्सनल डिटेल। तो जब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो अब आपको यहाँ देखना है कि यदि आपने आपके प्रपत्र 10 में आपकी फैमिली की डिटेल अपडेट कर रखी होगी तो ऑटोमेटिकली आपको वो यहाँ शो होगी, और यदि आपने वहाँ आपकी फैमिली डिटेल अपडेट नहीं कर रखी है तो आपको, जैसा कि मुझे यहाँ मेरी फैमिली डिटेल शो हो रही है, ऐसी शो नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपको आपका नाम यहाँ प्रोवाइड करवाना है, और जो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया जाएगा उसमें आपको, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्वयं, तो आपको यहाँ स्वयं पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका लिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए क्या आप राजकीय सेवा में, यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स मिलेंगे सब दूर, क्योंकि मैंने पहले से ही अपनी जानकारियाँ फिलअप की हुई है तो यहाँ ऑलरेडी मुझे फिलअप मिल रही है। उसके बाद आपको यहाँ आपकी विवाहित स्थिति आपको प्रोवाइड करवा देनी है। उसके बाद आपकी जन्मतिथि आपको, हो सकता है यहाँ नहीं शो रही हो तो आपको आपकी जन्मतिथि यहाँ प्रोवाइड करवानी है। इस तरह आपको आपकी डिटेल जो है यहाँ ऐड करनी है। और यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको आपके मोबाइल को इधर लेफ्ट हैंड की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इधर लेफ्ट हैंड की ओर स्क्रॉल करेंगे आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ यदि आप दिव्यांग है तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यदि आप नहीं हैं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और यदि आपका दिव्यांग का प्रकार आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो यहाँ प्रोवाइड करवाइएगा। उसके आगे आपसे जानकारी मांगी गई है कि दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है, मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के अनुसार आप वो यहाँ प्रोवाइड करवा लीजिएगा। और यदि नहीं है तो इसे भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और यहाँ जो आपसे जानकारी चाही गई है, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक आपसे मांगी गई है, तो वो यदि आप दिव्यांग है तो ही इन चीज़ों को फिलअप करें, वो आप यहाँ डेट प्रोवाइड करवा दीजिएगा। यदि आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी का डिटेल आप यहाँ प्रोवाइड करवाइएगा। बीमारी का नेम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है, और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। और यदि आप किसी भी असाध्य बीमारी, दिव्यांगता से ग्रसित नहीं है तो आपको इन चीज़ों को ब्लैंक छोड़ देना है। और उसके बाद आगे यहाँ आपको मिल जाएगा ऐड का ऑप्शन, तो आपको यहाँ ऐड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल यहाँ ऐड हो जाएगी और नया बॉक्स आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा। उसमें आप अपने अन्य फैमिली मेम्बर की डिटेल इसी तरह ऐड करेंगे। जितने भी आपके फैमिली में मेम्बर हैं उनकी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। और फिर आएंगे नीचे की ओर, जहाँ आपसे आपका राज्य सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके राज्य की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से आपका राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ विवरण प्रोवाइड करवाएंगे वो आपके
स्थायी निवास का प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आप दूसरे ज़िले में नौकरी कर रहे हैं तो आप फिर भी आपको यहाँ दिया गया है कि आपको यहाँ जो जानकारी देनी है वो आपके स्थायी निवास की देनी है, तो वो आपको यहाँ अपने स्थायी निवास की ही जानकारी प्रोवाइड करवानी है। उसमें आपको आपका ज़िला यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, आपका ब्लॉक यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, आपका ग्राम और वार्ड का नाम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। जो जो भी सूचनाएँ आपसे यहाँ मांगी जा रही है उन सूचनाओं को आपको प्रोवाइड करवाते जाना है, और फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर जहाँ आपसे वर्तमान निवास की जानकारी पूछी जाएगी। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कार्मिक के वर्तमान निवास का पता, तो आप जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं उस निवास का पता आपको राज्य यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जिला यहाँ सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ग्राम और वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर जहाँ ग्राम, पिन कोड और आपका हैबिटेशनल जो पता है वो सब चीज़ें आपको यहाँ जो जो भी जानकारी मांगी जा रही है उन सब जानकारियों को आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि सब पर स्टार लगा हुआ है, मैंडेटरी है आपको फिल करना। जब आप उक्त जानकारियाँ फिल कर लेंगे तो आपको सबसे अंत में ऑप्शन दिया गया है फाइनल सबमिट का, तो इस फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह का ग्रीन कलर में डायलॉग बॉक्स नीचे की ओर खुलकर आएगा, जहां आपको मिलेगा सक्सेस स्टाफ एड्रेस डिटेल एडेड सक्सेसफुली, तो ऐसा मैसेज आपको मिल जाएगा। और जब भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जाएंगे तो आपसे दोबारा ये जानकारी नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट आपको आवेदन के पृष्ठ पर ले जाया जाएगा और वहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और साथियों आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनके जवाब अवश्य देना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।